लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में धर्म पर किसने किए शर्मनाक सवाल, तो क्या मुस्लिम पति हिंदू पत्नी होने पर नहीं मिलेगा पासपोर्ट। एक पासपोर्ट दफ्तर का काम जांच पड़ताल कर पासपोर्ट जारी करना होता है। पासपोर्ट पाने के लिए एक तय प्रक्रिया है जिसे पूरी करने के बाद किसी को भी पासपोर्ट दिया जाता है। तय प्रक्रिया में अगर किसी तरह की खामी या गड़बड़ी पाई जाती है तब तो पासपोर्ट जारी नहीं किए जाने की बात समझ में आती है। लेकिन अगर किसी को उसके धर्म और नाम की वजह से पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है तो फिर इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस में, जहां एक मुस्लिम शख्स से शादी करने वाली हिंदू महिला को महज इसलिए पासपोर्ट देने से मना कर दिया गया क्योंकि शादी के बाद उसने अपना नाम नहीं बदला था। दरअसल लखनऊ की तन्वी सेठ को अपने परिवार के साथ विदेश जाना है, इसके लिए वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती थी। 19 जून को तन्वी ने अपने पति अनस सिद्दीकी के साथ फॉर्म भरकर जमा किया। अगले ही दिन पासपोर्ट ऑफिस से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, लेकिन उस इंटरव्यू में तन्वी से जो सवाल पूछे गए वो किसी अपमान से कम नहीं थे। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट ऑफिस में तैनात विकास मिश्रा नाम के अधिकारी ने तन्वी से कहा कि आपके साथ तो प्रॉब्लम है, आपने मुस्लिम से शादी की है तो आपका नाम तन्वी सेठ कैसे हो सकता है, ये आपकी ड्यूटी है, आप अपना नाम बदलवाएं। इतना ही नहीं, तन्वी के पति का आरोप है कि इस अधिकारी ने उन्हें न सिर्फ धर्म बदलने को कहा था बल्कि उन्हें हिंदू बनकर अपनी पत्नी से सात फेरे लेने को भी कहा। अनस की माने तो तन्वी जब अपना आवेदन लेकर विकास के पास पहुंची तो पति के कॉलम में मुस्लिम नाम देखकर गुस्सा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद तन्वी ने अपने ट्वीट के जरिए इसकी शिकायत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही विकास मिश्रा का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। इस बीच खबर है कि तन्वी को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।